प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में एक मकान में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते ही आग इतनी फैल गई कि वहां रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर यह आग लगी थी, जहां कॉलेज में पढ़ने वाली गर्ल्स पीजी में रहती थी। बताया जा रहा है कि 20 लड़कियां इस पीजी में रहती थी। शाम 4 बजे आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली थी। मौके पर फायर विभाग की 4 गाड़ियों के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारण 3 लड़कियों की मौत हो गई, जिन्हें जल्द ही सेक्टर 32 के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तीनों की उम्र 21 व 22 वर्ष बताई जा रही है। आग इतनी गंभीर थी कि एक लड़की ने ऊपरी मंजिल से कूदकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, जिससे भी गंभीर चोटें आई हैं। एक लड़की ने अपना नीचे से कूदने की कोशिश की तो पड़ोसी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई है। उसके बाद 3 लड़कियों को लेके गए हैं, वो काफी सीरियस है। हुआ क्या था, आग क्यों लगी? आग का रीजन ये भी पता चला। कितनी लड़कियां रहती थी ऊपर? 10-12 तो है ही है। अच्छा, उन्होंने कूदने की भी कोशिश की थी? कुछ तो भाग गई, सिर्फ 3 लड़कियों को पता नहीं लगा, क्योंकि आगे आग लगी थी, वो पीछे उनका सांस घुट गया, 45 मिनट वो अंदर रही हैं उनके। अच्छा, मर गई हैं ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद 3 तो लग रहा है, चौथी की शायद चांस है। अच्छा, 3 मर गई हैं, मतलब ऐसा अभी इनिशियली लग रहा है, घोषित नहीं किया पर लग रहा है। 32 लेके गए? 32 लेके गए। अच्छा, इनिशियली आपको हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, करीब 30 से करीब लड़कियाँ रहती थी, उसमें से 3 अभी हमें गंभीर हालत में मिली है, बाकी हम अभी बिल्डिंग इवैक्यूएट और बाकी देख रहे हैं कि 32 ले जाया गया उन्हें। रीज़न क्या था लगने का? फायर रिपोर्ट में आएगा एग्जैक्ट रीज़न। इनिशियली क्या बोला जा रहा है, किस तरह से लगी थी आप? इनिशियली अभी कुछ नहीं पता, तो फायर डिपार्टमेंट बताएगा। 3 गंभीर हैं, कोई डेथ तो नहीं हुई ना? 3 क्रिटिकल कंडीशन में है, लेट्स सी हॉस्पिटल से क्या रिपोर्ट। हम आया यहाँ पर, धुआं इतना ज़्यादा था जैसे लगता था कोई प्लास्टिक का धुआं है, बहुत ज़्यादा धुआं होने से। तो ऊपर जब आया तो यहाँ पर इतनी आग फैली हुई थी, आगे और पीछे से आग बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। अच्छा, हमारे जवानों ने आगे आके यहाँ पर इस कमरे को पहले आग बुझाया, फिर दूसरे कमरे को आग बुझाया, तो अंदर जाना मुश्किल, इतना ज़्यादा प्लास्टिक का धुआं था, जल रहा था, बर्तन जल, कपड़े जल रहे थे, दुनिया भर के डोमेस्टिक आइटम जितनी भी है। और पता लगा पीछे लड़कियाँ हैं, लेकिन पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था, पीछे से दीवार तोड़ के हमारा जवान अंदर कोशिश कर रहा था, अंदर जा नहीं सकता था, इतना ज़्यादा धुआं था। लेकिन वो कहते पीछे लड़कियाँ हैं, लेकिन कोशिश पूरी करी, पानी भी डाला, ने शावर किया, पीछे हमारा जवान भी गया, लेकिन अंदर घुस नहीं सका। लेकिन इधर से उधर तोड़ के गए हम, 2 लड़कियां अंदर धुएं से बेहोश हुए थे अंदर कमरे में, उनको निकाला, 1 लड़की 1 बेडरूम में, तो वो भी ज़्यादा मेरे ख्याल बंद हो चुकी थी, तो उसको निकाल के हॉस्पिटल किया पुलिस के थ्रू। और को भी रेस्क्यू कर लिया था आपने? कितने घंटे तक चला आपका ये? जब आग बुझी था 5-7 मिनट में ही हमने रेस्क्यू करके बाहर भेज दिया था, हमको ज़्यादा टाइम लगा उसमें। अब शुरुआती में आपको क्या लग रहा है कि रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पे? रीज़न तो अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उससे पता लगेगा, अभी डिटेल नहीं कर सकते। अभी तो हम इनका ही देख रहे हैं क्या क्या है, चलो कैजुअल्टी तो हमें भेज दिए हैं, लेकिन अभी देखते हैं इनका आपका कारण क्या है, देख रहे हैं अभी तो क्या क्या सामान है, क्या था, क्या इनको सारा चेक। 3 क्रिटिकली बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस था उनका जो तुमको हमने भेजा। और बाकी टोटल कितनी यहाँ पे लड़कियाँ रह रही हैं? एक लड़की और थी जो पीछे जंप कर गई थी, वो भाई वो इतनी ऊपर हाइट पर कैसे चढ़ी, उसने जंप कर दिया, लेकिन फ्रैक्चर हुआ सुना है, लेकिन देखा नहीं हमने, हमारे आने से पहले निकल गया था, लेकिन हमने 3 लोगों को निकाल लिया। चंडीगढ़ सेक्टर 32 के पीजी में रह रही लड़कियों के मकान नंबर 3325 में आग लगी। आग लगने से 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 1 लड़की ने कमरे से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार मरने वाली लड़कियों की उम्र लगभग 22 से 27 के बीच बताई जा रही है। वहीं दमकल विभाग की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।